बड़ी खबर है, सूरतपुर और रायगढ़ जिला के दौरा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे वाले हैं। बता देवन 11:35 पर रायपुर हेलीपैड पर रवाना हुई। वे बता देवन लैलुंगा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। वृहद सम्मेलन और उराव समाज द्वारा आयोजित कर्मा महोत्सव में शामिल हुआ है। मंझनिया 3 बजे लैलुंगा पहुंची मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो 12:40 पर जिला स्तरीय सर्व आदिवासी समाज महोत्सव में शामिल हुई। 3 बजे रायगढ़ उराव समाज के वृहद सम्मेलन और कर्मा महोत्सव में शिरकत करी। लैलुंगा ले 5 बजे रायपुर पर रवाना हुई सीएम विष्णुदेव साय। तो आज दिन भर के दौरा कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय के जी हाँ सूरतपुर जिला और रायगढ़ जिला के दौरों पर रवैया है आज सीएम विष्णुदेव साय। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी कोमल साहू जुड़ चुके हैं। कोमल, सीएम विष्णुदेव साय आज सूरजपुर और रायगढ़ जिला के दौरा पर रहे वाले, का कुछ कार्यक्रम है आज सीएम के? देखो, जिला स्तरीय सर्व समाज के जो कार्यक्रम है सूरजपुर में महिमा वो कार्यक्रम में शामिल हुई। वो कार्यक्रम में पूरा सर्व सभी समाज के जो लोगन मन है वो उन मौजूद रहने वाला है। सामाजिक रूप से छत्तीसगढ़ सरकार जिन तरीके ले काम करते, समाज के उद्धार के लिए काम करा थे, ओला ले का भी बातचीत हुई। और ये दौरान मुख्यमंत्री यह घोषणा भी कर सकते, सौगात भी समाज ले दे सकते। दूसरा बड़े कार्यक्रम लैलुंगा में होने वाला है। लैलुंगा में कर्मा महोत्सव है। कर्मा महोत्सव में साहू समाज के लोगन मन बड़ संख्या में उपस्थित रहने वाला है। यहाँ भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समाज ला कई सौगात दे सकते। कल आप मन देखा हो कैसे सतनामी समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री है भंडारपुरी पहुंचे, जिसे वहाँ के कार्यक्रम में सतनामी समाज के लोगन मन संबोधित गलो करी से, सौगात गलो दी से। काबर की मुख्यमंत्री जब से छत्तीसगढ़ सरकार बने तब से लगातार अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम में जाते, समाज कैसे आगू बढ़े, प्रदेश के साथ साथ कैसे समाज के लोगन मन आगे बढ़े, एकल लेके मुख्यमंत्री लगातार बातचीत करते। यही कारण है कि अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते। आज 2 ठन बड़े सामाजिक कार्यक्रम है, सर्व समाज के कार्यक्रम है, दूसरा कर्मा महोत्सव जो साहू समाज के कार्यक्रम है, वो दोनों कार्यक्रम में शामिल हो ही और शामिल हो के कई ऐसे सौगात है जे दवैया हवे महिमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सौगात आज सूरजपुर और रायगढ़ ला भी मिल सकते कोमन। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बीच राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है, जिया कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू लार राजधानी रायपुर लाए गए। बता देवन झारखंड के गिरिडीह जेल ले रायपुर लाए गए है अमन साहू। कड़ा सुरक्षा के बीच प्रोडक्शन वाहन पर राजधानी रायपुर लाए गए है। तेलीबादा क्षेत्र में कारोबारी दफ्तर में गोली कांड के मुख्य आरोपी है अमन साहू। ये तस्वीर देखा आप पर, पहला बार क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपी ला AK-47 बंदूक पर लेके रवाना हुए है। रायपुर में कारोबारी के दफ्तर के बाहर फायरिंग समेत कई कारोबारी ले वसूली के आरोप है। अमन साहूला देखा तस्वीर देखाओ, सबने पहले दिखाता एक्सक्लूसिव तस्वीर है विस्तार न्यूज के। जी हाँ, अमन साहू पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर है। तस्वीर आप मन देखाओ, अमन साहूला राजधानी रायपुर ले आए गए है। वक्त के बड़े खबर है, झारखंड के गिरिडीह जेल ले रायपुर लाए गए है। ते तस्वीर देखा हो आप मन विस्तार न्यूज के स्क्रीन ऊपर। जिया अमन साहू जिनकी कुख्यात गैंगस्टर है इला राजधानी रायपुर लाए गए झारखंड के गिरिडीह जेल में रही से, जकर बाद अब इला रायपुर लाए गए है। कड़ा सुरक्षा के बीच में प्रोटेक्शन वारंट पर रायपुर लाए गए है। बता देवन तेलीबांधा क्षेत्र में कारोबारी दफ्तर में गोली कांड के मुख्य आरोपी है अमन साहू। पहला बार क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपी ला AK-47 बंदूक पर रवाना हो इसे लेके और रायपुर में कारोबारी दफ्तर के बाहर फायरिंग समेत कई कारोबारी रे वसूली के आरोप है। देख सकते हैं गाड़ियां आ गई हैं तमाम अमन साहू को लेकर। ये सभी गाड़ियां जो है दिखाई दे रही होंगी, ये तमाम गाड़ियों के माध्यम से जो है उसे लाया जा रहा है। और ये आप देखिए, ये देखिए अमन साहू को आप देखिए। सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है अमन साहू, आपको दिख रहा होगा। गाड़ी नंबर देखिए, गाड़ी नंबर देखिए CG07CH9900। इस गाड़ी से अमन साहू को लाया जा रहा है और रायपुर पुलिस जो कि शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थी, जिसने शांति और सुरक्षा के लिए बोला था, रायपुर पुलिस के तमाम जो है जहाज जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अमन साहू को जो है ले आया गया है। और ये आप देख सकते हैं गहमा गहमी के बीच अमन साहू को निकाला जा रहा है। अमन साहू क्योंकि फायरिंग, अमन साहू क्या करेंगे, अमन साहू को ये अंदर आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम ने अंदर कर दिया है। और ये आप देखिए, रायपुर पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्शन लेते हुए
अपना कदम उठाते हुए अमन साहू को झारखंड की गिरिडीह जेल से लाई है। अगर आप बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि क्राइम ब्रांच की टीम ने ठाना था कि अब इसे लाना है और जो शहर है वहां शांति कानून का राज स्थापित करने के लिए हमें दिखाना है कि रायपुर पुलिस कटिबद्ध है और सभी को भयमुक्त बनाया जाएगा। 13 जुलाई को 2 राउंड फायरिंग हुई थी पीआरए ग्रुप में, प्रहलाद राय अग्रवाल ग्रुप में, और उसी फायरिंग के साथ ही अन्य कई समन थे। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए प्रोडक्शन वारंट पर इन तमाम जो है पुलिस कर्मियों ने ठाना और अमन साहू को लाया। अमन साहू को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद जो न्यायालय निर्णय लेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ नीतेश गर्ग, विस्तार न्यूज। तो कारोबारी दफ्तर में यहाँ फायरिंग करे रही से जकर बाद अब राजधानी रायपुर ले आए गए से कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू राजधानी रायपुर लाए गए से बड़े खबर है। बीच राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है। जी आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव सुनी समस्या, बीजेपी के सहयोग केंद्र में लगातार समस्या सुने जाते। बता देवन प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभा ठाकरे में कार्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करेंगे। जी हाँ, सहयोग केंद्र में आम जनता और कार्यकर्ता ले समस्या सुने जाये। तो बता देवन सहयोग केंद्र में बड़ी संख्या में प्रदेश भर ले लोगन मन पहुंचा थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज समस्या सुनी सहयोग केंद्र में आम जनता और कार्यकर्ता के समस्या सुनी। सहयोग केंद्र में बड़े संख्या में प्रदेश भर ले लोगन मन पहुंची। ये खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संघ खबर सहयोगी कोमन साहू जुड़ चुके हैं। कोमन, लगातार बीजेपी की ओर ले समस्या सुने जाते हैं और आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव समस्या सुनने वाले हैं, कार्यक्रम के का कुछ तैयारी है? देखो महिमा, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे में बैठी। बैठे के बाद जो प्रदेश भर के लोगन मना थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के जो लोगन मन के समस्या थे, वो समस्या ला सुनते या वो हल करे के कोशिश करते। बहुत सारे ऐसे जो समस्या थे जेकर त्वरित हल निकल जाते, काबर की छोटे छोटे समस्या लेके लोगन मन एती ओती भटकत रहते, बार बार दफ्तर के चक्कर काटे लागते। ऐसे में जब उप मुख्यमंत्री के पास आई तो उप मुख्यमंत्री तुरंत समस्या हल करते। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सप्ताह में एक दिन कम से कम एक एक मंत्री के बैठे के योजना बनाए हवे, ताकि जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो मन के बहुत सारे समस्या थे ओला हल कर सके। एक अलावा जो प्रदेश की आम जनता है ओमन भी मिल सके, मंत्री मन से मिल के अपन समस्या हल करे जा सके। और यही कारण है कि सप्ताह में एक दिन एक एक जन मंत्री ला कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठे के निर्देश जो है पार्टी कार्यालय से मिले हवे, और आज उप मुख्यमंत्री बैठी और लोगन मन के समस्या के हल करत हुए नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज उप मुख्यमंत्री लोगन मन के समस्या सुनिए और लोगन मन के समस्या के हल घलो हुई है। तमाम जानकारी पर कुमन आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करब मनेन्द्रगढ़ के। जी हाँ, मनेन्द्रगढ़ में संगीत सम्राट स्वर्गीय किशोर कुमार के 37वीं पुण्यतिथि पर संगीत संध्या के आयोजन करेंगे। ये कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल शामिल हुए। वे कार्यक्रम में जिला भर ले आए कलाकार बनहा किशोर कुमार ला याद करते हुए गीत के माध्यम ले उला अपन श्रद्धांजलि दी। आयोजन में लोगन मला संबोधित करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जसवाल अपन आपला रोक नहीं सके न उनके अलग अंदाज यहाँ देखे बर मिले। बता देवन दिखाता आपला स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जसवाल के एक अनोखा अंदाज। मंत्री जी के अनोखा अंदाज दिखाएं, चला आगू बढ़तन बड़े खबर की ओर। जी हां, पुलिस कर्मी ऊपर बड़े संख्या में तबादला हुए। बता दे बने एक प्रधान आरक्षक समेत 74 आरक्षक के ट्रांसफर करे गए। एसपी विजय अग्रवाल आदेश जारी करे गए। लंबा समय एक ही जगह पर जमे हुए पुलिस कर्मी के तबादला करे गए। तबादला की सूची आए के बाद अब बता देवन विभाग में हड़कंप बचे हुए। तो बलौदा बाजार ले बड़े खबर है। जी हां, पुलिस कर्मी मन के बड़े संख्या में तबादला करे गए है। एक प्रधान आरक्षक समेत 74 आरक्षक मन के ट्रांसफर करे गए है।
एसपी विजय अग्रवाल हा आदेश जारी कर दे, आदेश जारी करके सबों के ट्रांसफर के सूची जारी कर देंगे। लंबा समय ले एक ही जगह ऊपर ये पुलिस कर्मी मन जमे रही ने, जेकर बाद अब तबादला सूची आए के बाद जिन विभाग है इनमें हड़कंप मच गए है, काहे की तत्काल रूप से ये जिन आरक्षक मन के ट्रांसफर है वो करेंगे है। और बता देवन की एसपी अब एगला लेके आदेश जारी कर दे है। तो प्रधान आरक्षक 74 आरक्षक मन के ट्रांसफर करेंगे है। लंबा समय ले एक ही जगह पर ये पुलिस कर्मी मन जमे रही ने, जेकर बाद अब इला देखते हुए सबों के तबादला सूची जारी करेंगे है। अब बता देवन तबादला सूची आए के बाद अब पूरा विभाग महाड़कंप बचे। खबर पर जाते जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी अजय यादव हमारे संग जुड़ चुके हैं। अजय, पुलिस कर्मी मन के तबादला करेंगे इला लेके आदेश जारी करेंगे है, का कुछ अपडेट है इला लेके? जी महिमा, मैं बता देवा कि बलौदा बाजार में एसपी विजय अग्रवाल द्वारा जो हवा वो बड़े पैमाना में जो हवा पुलिस जो आरक्षक हवा उकर मन के तबादला करेंगे हवा। ये मन हर लंबे समय से एक ही जगह जो हवा वो जमेरी से हुआ जो था ये थाना ले वही आसपास में ही, लेकिन ये एसपी है जो बलौदा बाजार जिला के सुरक्षा दृष्टि और सारे चीज देखते हुए जो हवा ओला बेटी ले वो पार करेंगे हवा, क्योंकि जो 74 जन के एक आरक्षक सहित 74 जन के जो हवा वो फेर बदल करेंगे हवा। जी महिमा, बिल्कुल बिल्कुल। तो 74 लोगन मन के फेर बदल करेंगे है, एक आरक्षक के प्रधान आरक्षक के भी करेंगे है, काहे कि एक जगह ऊपर लगातार इमन बने रही ने ओला देखते हुए शासन के आदेश ला देखते हुए मन के तबादला करेंगे। तमाम जानकारी पर अजय आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगू बढ़तन बता देवन जिया, छत्तीसगढ़ में बिना केवाईसी राशन कार्ड धारक बल्ला राशन दे के आरोप लगा के कांग्रेस सरकार लाभ घेरा थे। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का इससे कि ये सब मिला जुली कस्ती है, भाजपा की सरकार है विद्वेश पूर्वक केवाईसी कराया रही है। नवा कार्ड में मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के फोटो के संग बनवाए गए है, अब जिन पात्र नहीं है ओला भी राशन दे जाते। कांग्रेस ऊपर बीजेपी कैसे वार नहीं करती, कांग्रेस ऊपर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता गलो पलटवार करे है और कही है कहीं से कि पहले माफिया के राज रही से गरीब मन के चूल्हा ले कांग्रेस चावल चुरावत रही से। विधानसभा में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत स्वीकारे रही से कि चावल में घोटाला हुए है, बीजेपी की सरकार है सबके जांच करे चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विद्वेष पूर्वक सारे राशन कार्ड धारकों का केवाईसी करवाया था, उसका वेरिफिकेशन किया था, फिर से नए कार्ड मुख्यमंत्री के खाद्य मंत्री के फोटो लगा के बनवाए गए हैं, उसके बाद अब ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है जो अपात्र हैं, जिनका केवाईसी नहीं हुआ है या फिर जिन लोगों की मिली भगत है। तो कुल मिला के बड़ा माफिया चल रहा है, राशन माफिया जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसमें सत्ता में बैठे हुए लोगों को पूरा संरक्षण है। माफियाओं का राज था, गरीबों के चूल्हे से कांग्रेस के नेताओं ने चावल चुराया था, विधानसभा में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था चावल में घोटाला हुआ है। शायद वो केवाईसी बिना केवाईसी वाले कार्ड अभी कुछ होंगे, अब भाजपा की सरकार है सबकी जांच होगी। मैं फिर से कहूंगा, चाहे अपराधी कहीं पर भी हो, भ्रष्टाचारी कहीं पर भी हो, दुबई से सौरभ चंद्राकर को ला सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी अब किसी अपराधी को ना छोड़ेंगे ना बख्शेंगे। यदि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 ले 20 अक्टूबर के बीच में वन विभाग के खेल कुंभ के आयोजन करे जाए, यह आयोजन 27वीं अखिल भारतीय वन विभाग के खेलकूद प्रतियोगिता होए वाले है, जिमा बता देवन देश भर ले वन विभाग के लगभग 3000 ले ज्यादा खिलाड़ी और अतिथि शामिल हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव उद्घाटन समारोह में शामिल हुई, तब वह ओलंपिक 2024 के कांस्य पदक विजेता मनु भाकर पहली भी गलो यहाँ शामिल होकर मंजूरी दे चुके हैं। ये बीच बात कर वो सूरजपुर के जिया ले बड़े खबर है, आरक्षक के ऊपर गरम तेल फेंके गए हैं। जिया बता देवन की आरक्षक घनश्याम सोनी के ऊपर गरम तेल फेंके गए हैं, बिरयानी दुकान में गरम तेल फेंके गए से। आदतन अपराधी कुलदीप साहू हा यहाँ गरम तेल फेंके से। बता देवन कुलदीप साहू वर्तमान में जिला बदर है, बड़े भाई ला आपराधिक मामला में गिरफ्तार करे जाए ले यहाँ
वो ये घटना ला अंजाम दी सह गाली गलौच के विरोध करे ऊपर पुलिस ऊपर गरम तेल फेंके। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर करे गए आरक्षक ला। बड़े खबर आपला बतातन, जी हाँ, पुलिस वाले ऊपर गरम तेल ले वार करे गए, गरम तेल फेंके गए। घनश्याम सोनी आरक्षक रही से जकर ऊपर गरम तेल फेंके गए। आगू बात करबो सूरजपुर के, जिया सूरजपुर में आज जिला स्तरीय आदिवासी कर्मा महोत्सव के आयोजन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिलौटा परसवार में शामिल होने वाले हैं। आपला बता देवन, कार्यक्रम में लगभग 50,000 ले ज्यादा लोगन मन के शामिल होकर उम्मीद जताए जाते। जिला लेके पुलिस गलो चाक चौबंद व्यवस्था में नजर आवत है। वे कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोरते करही। तो वे जिला स्तरीय आदिवासी कर्मा महोत्सव में मुख्यमंत्री क्षेत्रवासी मल्ला विकास कार्य के सौगात घलो दे। तब सरगुजा बिना उड़ान भरे वाले है। कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरगुजा जिला के दरिमा गांव में स्थित मां मामा एयरपोर्ट किला 21 अक्टूबर के उद्घाटन करी। जेकर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम ले मां मामा एयरपोर्ट समेत देश भर ले अन्य नवनिर्मित एयरपोर्ट के उद्घाटन करी। बता देवन, जिला प्रशासन के वर्चुअल उद्घाटन की तैयारी करे के निर्देश देगी सह। बता देवन की मां महामाया एयरपोर्ट के राजनीतिक से ले बार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान गलो उद्घाटन करे जा चुके। फिलहाल अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट में 19 सीटर हवाई जहाज चलाए जाए की तैयारी है। उड़ान प्रोजेक्ट के तहत 48 करोड़ की लागत ले मां महामाया एयरपोर्ट बन के तैयार हो चुके है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपला बता था, जी हाँ, दरिमा ले 19 सीटर फ्लाइट जेन है वो शुरू करे चाहिए। महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को शुभारंभ करेंगे वर्चुअल माध्यम से और उसकी यहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए किस तरीके से टर्मिनल बिल्डिंग में काम चल रहा है। यहां पर कुछ काम डीजीसीए के निर्देश के आधार पर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो मापदंड था उसके हिसाब से नहीं बना था, तो अब उसके हिसाब से इसको तैयार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 दिन के भीतर ये जो काम चल रहा है ये पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद 21 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि बनारस से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। और सरगुजा के लोगों के लिए सबसे बड़ा एक गिफ्ट होगा उस दिन लोगों के लिए, क्योंकि उस दिन सरगुजा के लोगों को एयरपोर्ट की सुविधा मिल जाएगी, हवाई सेवा का शुरुआत हो सकेगा और सरगुजा के जो लोगों की लंबी मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के सरगुजा वालों को 21 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री हवाई सेवा का लाभ देंगे, हवाई सेवा का सौगात देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। इतना कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव ला पत्र लिख के मांग करेने कि छत्तीसगढ़ में नीट के स्नातक व प्रवेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर होना चाहिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ नीट के स्नातक व प्रवेश 2018 के नियम के आधार पर हुआ थे, जिन गलत है। मेडिकल कॉलेज व प्रवेश पर अप्रवासीय भारतीय कोटा ले दूर के रिश्तेदार के आरक्षण के लाभ दे जाते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दूर के रिश्ता के आधार पर मेडिकल सीट में प्रवेश नहीं देना है। एक बावजूद छत्तीसगढ़ में नीट के स्नातक प्रवेश में 2018 के नियम के आधार पर यहां प्रवेश करे जाते हैं।